हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, विनियोग खाते। और उसमें पढ़ेंगे एक्स इंटरेस्ट परचेज एंड एक्स इंटरेस्ट सेल। जब खरीदार इन्वेस्टमेंट खरीदे तो जितनी रकम चुकता करे इन्वेस्टमेंट के और अलग से इंटरेस्ट के पैसे चुकता करे। और इसी तरीके से इसका सेलर की तरफ से कहे तो वो जितने में इन्वेस्टमेंट बेचे उसके अलावा उसको इंटरेस्ट की रकम भी चाहिए। मतलब कि सेलर इंटरेस्ट को नहीं बेचता है, उसकी रकम अलग से लेता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रकम में वो रकम नहीं होती, उसके अलावा होती है। और बायर उसकी रकम अलग से देता है। मतलब ये कि इसमें राइट्स इंटरेस्ट का नहीं बेचा जाता है। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट बेचे जाते हैं तब प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि 15 जुलाई 2018 को ही एक परचेजर है, उसे परचेज की 95% डिवेंचर, मतलब 5% रिटर्न वाले डिवेंचर, ये नॉर्मली हाफ ईयरली ब्याज मिलता है डिवेंचर के ऊपर। ठीक है, 5% के हिसाब से तो 100 रुपये फेस वैल्यू वाले थे, 105 रुपये में उसने खरीदे। लेकिन शर्त ये थी कि एक्स इंटरेस्ट पर खरीदे हैं, इसके अलावा उसको इंटरेस्ट की रकम भी पे करेगा परचेज करने पर। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी उसने 40 रुपये चुकता करी खरीदने पर, तो ये लागत पे जुड़ जाएगी। और 31 दिसंबर को 2018 को उसने बेच दिए आधे शेयर, 45 डिवेंचर उसने बेच दिए। कितने रुपये में बेचे? 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, 107 में बेचे और एक्स इंटरेस्ट पे बेचे। यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट में खरीदे थे और यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट में बेचे। जब यहाँ खरीदेगा तो वो यहाँ पर अलग से इंटरेस्ट की रकम पेड करेगा, और जब यहाँ वो बेचेगा तो उसको इस 107 के रेट के हिसाब से जो पैसे मिल रहे हैं उसके अलावा इंटरेस्ट की रकम भी मिलेगी जो उसके ऊपर ड्यू हो चुकी है लास्ट डिक्लेरेशन, इंटरेस्ट की डिक्लेरेशन से। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेट थी जब जब वो पेड होता था कंपनी की, जिस कंपनी के डिवेंचर हैं ये, 31 जुलाई और 31 जनवरी की थी। ब्रोकरेज दोनों ही कंडीशन में, चाहे बेचा जाए चाहे खरीदा जाए, डिबेंचर को 1/9% ही थी। ठीक है, तो हमको परचेजर की पुस्तक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब कि डिबेंचर का अकाउंट बनाना, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, इंटरेस्ट के अकाउंट बनाएंगे जिसको पर रिटर्न मिला। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर यह आई है कि जो हमको इंटरेस्ट की तिथियाँ हैं वो 31 जुलाई और 31 जनवरी, इसका मतलब हमारे जो ईयर ख़त्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च को ख़त्म होने से यहाँ पर जुलाई तक जो पेड हो जाएगा इंटरेस्ट है, 2 महीने का इंटरेस्ट है जो कि फरवरी और मार्च का बचा रहेगा, वो प्राप्त नहीं होगा, प्राप्य होगा मतलब एक्रूड होगा 2 महीने का इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट का भी लेखा करना है। तो 5% डिवेंचर अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं कि सबसे पहले उसने यहाँ पर केवल डिवेंचर से रिलेटेड एंट्रियाँ होंगी। जनरल एंट्री करते हैं तो यहाँ पर वही ट्रांसफर होंगे जो डिवेंचर से रिलेटेड है। तो पहली एंट्री क्या होती है कि वो पैसा चुकता करता है, किस किस चीज़ के चुकता करता है? एक तो 5% डिवेंचर के उसने चुकता करेंगे और इंटरेस्ट के चुकता करेंगे, तो दोनों को डेबिट में डालेंगे और टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो चूंकि इसमें हम सिर्फ बैंक से वो एंट्री करेंगे जो डिवेंचर के लिए उसने पैसे दिए, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी। तो 15 जुलाई 2018 को बैंक के मार्फत उसने 9,500 रुपये दिए। किस तरीके से दिए? 90 डिवेंचर थे, 105 रुपये के हिसाब से 9,450 रुपये। ठीक है, और 9,000 क्योंकि इनकी फेस वैल्यू पर ही ब्रोकरेज और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, तो खरीदने के चूँकि खरीदने के प्राइस में ब्रोकरेज को इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो खरीदने की लागत में जुड़ जाती है। तो 9,000 रुपये फेस वैल्यू, क्योंकि 90 डिवेंचर हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू के हैं, तो उस पर 1/9% के हिसाब से 10 रुपीज़ ब्रोकरेज आ जाएगी और 40 रुपये स्टैंप ड्यूटी के दिए हैं। तो कुल मिला के ये हो गए। ठीक है, अगली डेट पे क्या हुआ कि 31 दिसंबर को, जुलाई के बाद 31 दिसंबर आई और उसने आधे डिवेंचर बेच दिए, तो बाय बैंक अकाउंट अमाउंट डालेंगे। इसके लिए क्या एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर 5% डिवेंचर और टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसकी रकम इंटरेस्ट की रकम डिवेंचर से अलग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल प्रपोर्शन वो वाली अमाउंट लेंगे वो जो उसके लिए वो डिवेंचर उसने दिए हैं, डिवेंचर की अमाउंट
का बैंक में, बैंक के अकाउंट में दोनों कंसोलिडेट अमाउंट होंगे, एक डिवेंचर की भी होगी और एक इंटरेस्ट की होगी, लेकिन हम केवल डिवेंचर की लेंगे। तो 45,107 के हिसाब से बेचे हैं, तो अमाउंट ये आई, और उसको बेचने पर 1.9% के हिसाब से ब्रोकरेज भी चुकता करी, तो इसमें 5 रुपये घटा देंगे जो इसकी अमाउंट आएगी, तो ये अमाउंट आ गई। लास्ट में क्या करेंगे कि हमने जो 45 डिवेंचर बचे हुए हैं उसका हम लेखा जोखा करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि मार्केट वैल्यू या लागत वैल्यू जो कम हो उसके ऊपर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा था, तो हमने इसी जो हमने लागत चुकता करी थी 90 शेयर 90 डिवेंचर्स के ऊपर, इसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट हम 45 जो उसके पास रिमेनिंग है उनका स्टॉक कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बाय बैलेंस सी डी हमने लिखा 31 मार्च को 9,500 रुपये में 90 शेयर खरीदे थे, तो 45 की कॉस्ट निकाल के रख दी बाहर। ठीक है, ये क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को घटाया तो ये बैलेंसिंग फिगर 60 रुपये मिलती है, जिसको कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, अच्छा, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, तो यहाँ पर इस तरीके से 31 मार्च को ये इसका अकाउंट हमने डिवेंचर अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में क्या, सबसे पहले जब हमने एंट्री करी थी कि हमने डिवेंचर खरीदे, ही ने डिवेंचर खरीदे, तो उसने 15 जुलाई को खरीदे थे। लास्ट डिक्लेरेशन डेट जो इंटरेस्ट की है, एक तो 31 जनवरी है और एक 31 जुलाई है, तो इसके 31 जुलाई तो इसके बाद पड़ेगी। ठीक है, 15 जुलाई के पहले डिक्लेरेशन डेट 31 जनवरी पड़ेगी। ठीक है, हमको लास्ट डिक्लेरेशन डेट देखनी है, उसके आगे की नहीं देखनी होती, लास्ट देखनी होती है। कि क्योंकि देखनी होती है कि यहाँ से 31 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक ये जो डिवेंचर है वो तो सेलर के पास रहे थे, तो उसको हमने कितने रुपए इंटरेस्ट के चुकता करने हैं, तो इसलिए लास्ट डिक्लेरेशन से जो उसके पास रहे, ठीक है, होल्ड रहे, तो उस ये रहे यहाँ से लेकर 5.5 महीने, तो 11/2 लिखा। और फेस वैल्यू 90 शेयर 90 डिवेंचर्स थे, तो फेस वैल्यू 9,000 हुई 100 के हिसाब से, और 5% के हिसाब से रिटर्न मिलना है। ठीक है, हम 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, 22/12 लिखा, तो जब हमने परचेस कर रहे थे तो बैंक में इतने रुपए, तो हमने कंसोलिडेट एक एंट्री बताई थी कि बैंक 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो ये आया, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट की रकम से केवल कि इतने पैसे हमने इंटरेस्ट के, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था, पेड करें। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। इसी तरीके से जब हमारे इसके बाद 31 जुलाई के बाद, ये सॉरी यहाँ पर हमने डेट गलत लिख दी, 15 जुलाई को एंट्री होनी चाहिए थी। 31 जुलाई को जब इंटरेस्ट की रकम पेड हुई, ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया डिवेंचर के ऊपर, 9,000 फेस वैल्यू है, 5% के हिसाब से 6 महीने का रिटर्न मिल गया, 225 रुपये मिल गया 31 जुलाई को, यहाँ 15 जुलाई होगी। अब उसके बाद डेट आई 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर को 45 शेयर, ठीक है, 45 शेयर बेच दिए गए, चूंकि वो एक्स इंटरेस्ट पे बेचे गए, इंटरेस्ट अलग से मिलेगा एंट्री के मुताबिक, तो बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा 4,500, चूंकि फेस वैल्यू उनकी 45 शेयर बेचे, 45 डिवेंचर बेचे हैं 107 के रेट से। ठीक है, तो लेकिन फेस वैल्यू उसकी 4,500 है, और वो कब से 31 दिसंबर को बेचे, इसके पहले जो इंटरेस्ट की डेट ऑफ डिक्लेरेशन आती है वो क्या होती है, 31 जुलाई है, क्योंकि इसके बाद 31 जनवरी पड़ेगी और इसके पहले 31 जुलाई है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 महीने का समय हुआ, 5 महीने का इंटरेस्ट इसको मिलेगा इतनी अमाउंट पर, क्योंकि ये इसके पास होल्ड रहे थे, अब वो बेच दे रहा है, तो अगले से एक तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलेगी और एक इंटरेस्ट की रकम मिलेगी, तो 5 मंथ का 5% के हिसाब से ये हमने बेचने पर इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी रकम ब्याज की पाई। ठीक है, ही नहीं पाई, ये हो गई अगली एंट्री। एक ये हो गया 6 महीने का इंटरेस्ट, एक ये जो बेचा उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, एक ये जब हमने खरीदा था है पूरी डिवेंचर तब की एंट्री। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारे एक एक 6 महीने की और पड़ेगी डेट, जब हमको
हाफ ईयरली है ना, 1-6 महीने की ऑडिट पड़ेगी, उस पे जितने शेयर्स आपके होल्ड रहते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, एक वो हो जाएगी, ठीक है। और अब हमारी 31 जनवरी को ये जो 31 जनवरी को कितने शेयर हमारे पास, कितने डिवेंचर होल्ड थे, 90 में से 45 बेच दिए, 45 बचे थे, 45 की फेस वैल्यू 4500 थी रिमेनिंग वाले, तो इसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट हमको मिला 112.50, ठीक है, ये हो गई, ठीक। ये तो निकल गए थे, ये उस तरीके से मिली थी जो जिसको बेचा था उससे मिली थी। अब ये अगली ड्यू डेट जब आई तो याली मिल गई जो हमारे पास डिवेंचर बचे उसकी। अब 31 जनवरी को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो 2 महीने का हमको हमको इंटरेस्ट ड्यू तो हो जाएगा, ठीक है, रिसीव नहीं होगा, तो एक्रूड इंटरेस्ट के जरिए कितना मिलेगा पैसा, ड्यू हो गया है तो 4500 फेस वैल्यू है, 5% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, और 2 महीने का फरवरी और मार्च का कितना हो गया, 3750 रुपये, ये भी हमको एक तरीके से मिला, एक्रूड इसी के लिए इसके डाल दिया। ये क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को देखा और जो बैलेंस आया उसको हमने बैलेंसिंग फिगर में लिखा 262.50, जो इस तरीके से, क्योंकि आखिर में हमको जो भी अकाउंट क्लोज प्रॉफिट, जो भी खर्चे होते हैं रिसीव करते हैं या जो एक्सपेंसिव होते हैं वो प्रॉफिट लॉस में आखिर में एंट्री उसकी करते हैं, तो इस तरीके से जो हमने इंट्रैक्शन किया, जितना पैसे आए ये जितने पैसे हमारे गए इंटरेस्ट की एंट्रीज डेबिट क्रेडिट हुआ, तो उसको बाकी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च को। ये फिगर हमें बैलेंसिंग फिगर में लिख दिया और इंटरेस्ट अकाउंट मेंटेन कर दिया। अब एक अकाउंट और है कि एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट खोला, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में इस वाले बैलेंस को, ये जो आखिरी में है एक एंट्री बनी कि एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट है, तो इस एंट्री को टू इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर लिख दिया, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट खोल के 31 मार्च को, कि ये हमको हमारा ड्यू हो गया है लास्ट में ईयर एंड में, ठीक है, और इसको हमने बैलेंस निकाल दिया इस अकाउंट का, ये वो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर राइट ना बेचा जाए, एक्स इंटरेस्ट परचेज की जाए और सेल की जाए, तो किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।